सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिखरम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक और मैं हूं आप सभी का आईपी का टीचर। शिखरम इंस्टीट्यूट लेके आए आप सभी के लिए क्लास 12th एंड 11th का एमपी बोर्ड के कोर्स, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से हमारा आज का पहला टॉपिक है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जो कि आईपी का फर्स्ट चैप्टर है। आईपी में बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें अपन एक एक करके सारे चैप्टर समझने वाले हैं। तो मैं आज लेके आया आपके लिए फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अपन समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जिसमें है फाइल सिस्टम, डेटाबेस, डीबीएमएस एंड मोर क्लॉजेस एंड बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली ये चैप्टर में ना कोडिंग का थोड़ा सा स्टार्टिंग का बेसिक पॉइंट्स है जो कि अपन समझने वाले। सबसे पहले अपना पॉइंट आता है बेसिक ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात जो ये पूरी पीपीटी जो है, इसमें ना क्वेश्चंस वाइज पूरे जो नोट्स बने हुए हैं, अगर आपको ये नोट्स जो भी हैं, डेटाबेस की डेफिनेशन, फाइल सिस्टम की डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है, या अगर ये जितने भी डिफाइन आपको चाहिए तो आप ये वाले डिफाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मेरे खुद से बनाए हुए डिफाइन है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले अपन समझते डेटाबेस होता क्या है। What is database? Database को क्या बोला जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस इज बेसिकली, डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर एंड कलेक्शन ऑफ डेटा मैनेज्ड बाय DBMS फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड द मैनेजमेंट। देखो, आसान भाषा में समझे डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस वो होता है जो कि एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा का एक ऐसा ऑर्गेनाइज फॉर्म, एक एकदम सीधा फॉर्म, जिसको बोला जाता है डेटाबेस, जिससे क्या करा जाता है, DBMS को हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज। इट एनेबल्स द एप्लीकेशन टू स्टोर, जैसा कि मैंने अभी बोला, रिट्रीव, स्टोर, मैनिपुलेट डेटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स, क्वेरीज सपोर्टिंग वेरियस इंडस्ट्रीज इन द एप्लीकेशन, यानी दूसरी वेरियस एप्लीकेशन, दूसरी इंडस्ट्रीज में अपन क्या कर सकते, डेटा को रिट्रीव कर सकते, स्टोर कर सकते और मैनिपुलेट कर सकते। डेटाबेस का बेसिक मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन, क्या बोला जाता है इसको, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंडली क्या होता है, वॉट इज फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम को क्या बोला जाता है, आइए फाइल सिस्टम समझते हैं। फाइल सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा फाइल्स ऑन द स्टोरेज डिवाइस, क्या करता है, फाइल को ऑर्गेनाइज करता है और डेटा को स्टोर करता है, किसमें, स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस लाइक सेंडेक्स और दूसरे जितने भी स्टोरेज डिवाइसेज है, USB हार्ड ड्राइव, जितने भी स्टोरेज डिवाइस है, उनमें क्या करता है, डेटा को क्या करता है, फाइल्स को स्टोर करता है। इनेबल्स द एफिशिएंट डेटा को इनेबल करता है, यानी उसको अलाउ करता है, ताकि अपन क्या कर सके, उसको मैनेज कर सके। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि enables the efficient data to the management. It structure the file naming, organization and access, क्या करता है, files को क्या करता है, files को क्या करता है, name देता है, organization देता है, उनको access देता है, उनको allow करता है users को और दूसरे applications में, ताकि अपन क्या कर सके, वही same चीज़, सबसे पहला क्या होता है, stored करना, retrieve करना, manipulate करना data को। बेसिकली डेटाबेस और फाइल सिस्टम सेम चीज़ होती, डिफरेंस इतना है, डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, बट जो फाइल सिस्टम होता है वो भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है, बट एक थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, फाइल सिस्टम, जिनको बेसिकली दो फॉर्म में रखा जाता है, फाइल्स के फॉर्म में भी रखा जाता है। फाइल सिस्टम में भी दो मेथड आते हैं, मॉडर्न मेथड एंड न्यू ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में क्या होता था, फाइल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर रखा जाता था, मॉडर्न मेथड में क्या होता है, कंप्यूटर की हेल्प से फाइल में डेटा स्टोर करा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अपना इसका, व्हाट इज DBMS, यानी DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या है बेटा, सबसे पहली बार DBMS को क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेट इज नोन एज DBMS। DBMS क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट मैनेजेस द डेटाबेसेस, यानी अब जो डेटाबेस है उनको मैनेज करने के लिए क्या बना गया, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा स्टोर्ड है उनको एक कंट्रोल और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, DBMS। अब DBMS में क्या होता है, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेस एक, डेटाबेसेस यानी बहुत सारे डेटाबेसेस, तो बहुत सारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया, DBMS। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द डेटाबेस allowing efficient storage, retrieval and manipulation of data. यानी बहुत एक अच्छे लेवल पे, जहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, उसके लिए क्या करता है, डेटा को अलाउ करता है, मैनिपुलेट करता है और अपडेट करता है।
It ensures that the integrity and security enables to the interactive queries and transaction and perform the task like data modeling, indexing and backup. यानी जैसे दूसरी चीजें जैसे backup और अपना indexing, data को module करना, उसके बारे में नई चीजें बताना, data में कुछ changes करना, वो सब किस में करा जाता है? Database management system में. अब यहाँ पर कुछ applications है जिसमें क्या कर सकते हैं, DBMS का यूज़ होता है. सबसे पहला MySQL, उसके बाद SQL सर्वर, उसके बाद Oracle, उसके बाद है DBase और यह है FoxPro. इनको नाम के तौर पे आप याद कर सकते हो क्योंकि एग्जांपल में बहुत बार पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कि कौन कौन से नाम है. वन वर्ड में पूछा जाता है कौन कौन से नाम है DBMS में, जहाँ पर DBMS के एग्जाम्पल्स है कि कहाँ कहाँ पर DBMS यूज़ करा जाता है कौन कौन से सर्वर में. तो ये पाँच नाम, चार नाम है जो कि आप बोले जा सकते हैं. ठीक है, DBMS क्या क्या अलाउ करता है, एक यूज़र को DBMS क्या क्या टास्क अलाउ करता है कि वो क्या क्या कर सकता है, चलिए वो समझते हैं. सबसे पहला है डेटा डेफिनेशन, डेटा की डेफिनेशन चेंज करना. जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में बताया गया. ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या हुई, डेफिनेशन. तो डेटाबेस में DBMS की भी एक डेफिनेशन होती है. क्या करता है, डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इंक्लूडिंग क्रिएशंस, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स. यानी डेटा को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, डेटा को मॉड्यूल कर सकते हैं, डेटा को मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और डेटा को रिस्ट्रक्चर करके कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डेटा डेफिनेशन. बेसिक वर्ड्स में कि एक जो बड़ी चीज़ है उसको कैसे डिफाइन करना छोटे फॉर्म में, उसका काम होता है डेटा डेफिनेशन, यानी उसकी पूरी डिफाइन चेंज कर देना. सेकेंड है डेटा अपडेटेशन, नाम भी समझ आ रहा है, इन्वॉल्व इंसर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीटेशन ऑफ एक्चुअल डेटा. यानी जो पहले से डेटा एग्जिस्ट करता है, यानी जो डेटा बेस में पहले से डेटा एग्जिस्ट करता है, उस डेटा को क्या करना, अपडेट करना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने, तो वो करना. बेसिकली अपडेट का मतलब यही होता है. थर्ड है डेटा रिट्रीवल, रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द डेटा बेसिस फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस एंड पर्पसेस. यानी एक डेटा को क्या करना, रिट्रीव करना. अपन बोलते हैं ना एक जगह रखा है, रिट्रीव यानी उस जगह से डेटा को उठाना और दूसरे वेरियस अदर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना, ताकि अपन उस डेटा को क्या कर सके, यूज़ कर सके, उसको क्या बोला जाता है, डेटा रिट्रीवल. फोर्थ है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन. यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. आपका स्कूल होता है, स्कूल के अंदर दो ऑफिसेस होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, एक होता है प्रिंसिपल ऑफिस. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या होता है, स्कूल के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आई, क्लास से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम आती है वो किसके पास जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास. फीस रिसीप्ट से लेके सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है, एडमिनिस्ट्रेशन. तो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सारे प्रॉब्लम का सॉल्व करता है, वैसे यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन भी DBMS की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. जितनी भी प्रॉब्लम आती है, सेफ गार्ड, परफॉर्मेंस से लेके सारी चीज़ें, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कौन सॉल्व करता है, कौन निभाता है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन. समझ आ गया, बढ़ते हैं अपन आगे. सबसे पहले बात अपन अब समझेंगे व्हाट इज DBMS और व्हाट इज फाइल सिस्टम. यानी DBMS और फाइल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं. यहाँ पर मैंने सारे के सारे सेम पॉइंट लिए, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड सेंट्रलाइजेशन. ये पॉइंट मैंने फाइल सिस्टम में भी लिए, ये पॉइंट मैंने DBMS में भी लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि DBMS और फाइल सिस्टम में बेसिक सा डिफरेंस क्या है. आइए सबसे पहला समझते हैं क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. फाइल सिस्टम इज अ प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस, ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल्स एंड डायरेक्शन. डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, फाइल्स के फॉर्म में होता है. डेटा स्टोर किस में होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में होता है. और कैसे होती है, अलग 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 डायरेक्शन में, अलग अलग डिक्शनरीज में क्या होता है, डेटा स्टोर्ड रहता है. सेकेंड है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज. डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है और उसको स्टोर किधर करा जाता है. ठीक है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स एंड डिटेल्स अबाउट हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेटेड एंड स्टोर्ड फिजिकली ऑन द स्टोरेज मीडियम. फिजिकली यानी क्या होता है, जो एक स्टोरेज मीडियम होता है, जैसे अपने जो अदर डिवाइसेज होते हैं जिनमें अपन स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं उनमें अपन डेटा स्टोर करते हैं, उसमें कैसे फिजिकली डेटा स्टोर होता है और डेटा कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन. बेसिकली फाइल सिस्टम में जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझने में, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा होता है. थर्ड पॉइंट है डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब डेटा बार बार रिपीट होता है, यानी डेटा की डुप्लीकेसी. अगर एक डेटा एक से लेके 500 के बीच में एक डेटा 10 बार रिपीट हो रहा है, तो डेटा क्या हो जाएगा, डेटा की रिडंडेंसी हो रही है. यानी डेटा एक से लेके 10 बार रिपीट हो रहा है, एक ही डेटा 10 बार कॉपी हो रहा है. ठीक है, फोर पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. कैसे, समझते हैं. डेटा इनकंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक से लेके दस तक जो अगर कंसिस्टेंट है तो वो एक से लेके दस तक है। अगर एक से लेके दस तक लेकर एक नंबर का जो फाइव नंबर का जो डेटा है वो डेटा दस बार रिपीट हो रहा है, यानी पांच बार भी रिपीट हो रहा है वो डेटा, तो वो क्या हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर डेटा की डुप्लीकेसी होगी तो डेटा कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी, बार बार डुप्लीकेशन होना। डुप्लीकेशन होगी तो क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट होगा। लास्ट है सेंट्रलाइजेशन। अचीविंग द सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल यूनिट एंड मैनेजमेंट इन फाइल सिस्टम इट इज अ चैलेंजिंग ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन नेचर, यूजर टिपिकली हैव टू मैनेज द फाइल एक्सेस मैन्युअली। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है एक अच्छे फॉर्म में उनको स्टोर करके रखना, बट फाइल सिस्टम में बेसिकली होता है क्या है, सारी चीज़ों को एक कैसे करना पड़ता है, मैन्युअली करना पड़ता है। यहाँ पर मेंशन है कैसे करना पड़ता है, मैन्युअली करना पड़ता है। अगर चीज़ें मैन्युअली करेंगे तो चीज़ें कैसी हो जाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। उसको सेंट्रलाइज फॉर्म में रखना कैसा हो जाएगा, अपने लिए थोड़ा टास्क डिफिकल्ट हो जाएगा। आइए, यही सारे पॉइंट जो है सेम एज इट इज़ अपन अब समझेंगे DBMS में, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फाइल सिस्टम और DBMS में डिफरेंस क्या है, और यही सारे सेम पॉइंट जो अपन DBMS में समझेंगे उससे पता चल जाएगा कि दोनों में से एक माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है। चलिए, सेम पॉइंट अपन समझेंगे अब DBMS में, व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी DBMS में कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है, DBMS में डेटा को कलेक्ट कैसे करा जाता है। DBMS इट नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा बट इंक्लूड्स मैनेजमेंट प्रोसीजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा एफिशिएंसी। यानी DBMS डेटा स्टोर्ड ही नहीं करता है, डेटा को मैनेज भी करता है ताकि अपन क्या कर सके, डेटा को चेंज कर सके, डेटा को मैनिपुलेट कर सके और डेटा को क्या कर सके, डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सके। सेकंड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू। एब्स्ट्रैक्ट व्यू बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब DBMS में क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा देखना है मेरे को, 1 से लेके 100 के बीच में मुझे देखना है, 95 नंबर पर जो पर्सन है उसका मुझे डेटा देखना है, तो DBMS क्या करेगा, 95 वाला जो नंबर है, पर्सन जो है उस नंबर पे, उसी पर्सन का मुझे डेटा दिखाएगा, बाकी जितने पर्सन है सारे पर्सन का डेटा क्या कर रखेगा, हाइड करके रखेगा। बट यही चीज़ फाइल सिस्टम में होती है तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, 1 से लेके 500 तक मुझे सारा डेटा देखना पड़ेगा, 1 से लेके 500 तक मुझे सारा डेटा देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आएगा ये वाला नंबर का पर्सन, ताकि मैं उसका डेटा देख सकूँ। तो इससे सिक्योरिटी में प्रॉब्लम तो हो रही है कि दूसरे लोगों का जो डेटा है वो भी देखना पड़ रहा है और वो उनका डेटा भी इनसिक्योर हो रहा है, बट DBMS में क्या हो रहा है, जो एक डेटा है बस वही डेटा देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जा रही, हाइड। तो उसको क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा, यानी जो काम की चीज़ें बस वही बता रहा है। थर्ड पॉइंट है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी अपन ने फाइल सिस्टम में भी पढ़ा, अपन अब DBMS में भी पढ़ेंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ रिडंडेंसी थ्रू द नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स एंड रिडंडेंसी स्टोरेज ऑफ डुप्लीकेट डेटा। देखो DBMS में ना सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है तो डेटा की डुप्लीकेसी कम हो जाती है। सेम वही बात बोलूंगा, डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी दोनों पॉइंट सेम है, कैसे, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर डेटा डुप्लीकेसी होगी नहीं तो डेटा कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो DBMS में क्या होता है, डेटा की रिडंडेंसी होती नहीं है, जब डेटा की रिडंडेंसी नहीं हो रही तो डेटा कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। DBMS मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी, DBMS क्या करता है, डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखता है। जैसे मैंने बताया, अगर रिडंडेंसी नहीं होगी तो डेटा क्या होगा, कंसिस्टेंट रहेगा। एनफोर्सिंग द कंस्ट्रेंट एंड रूल्स इंश्योरिंग दैट द डेटा रिमेंस एक्यूरेट एंड वैलिड। डेटा कैसा रहना चाहिए, एक्यूरेट और वैलिड। जब डेटा रिडंडेंसी हो ही नहीं रही है, जब डेटा रिपीट ही नहीं हो रहा, तो डेटा कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। लास्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, DBMS enables centralization by the providing a centralized repository for the data management and control, allowing the efficient control access to the data by the users. Centralization का मतलब ये होता है कि सारे जो data users होते हैं उनके पास, सबके पास अपना अपना access होता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने data को manage कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, DBMS का centralization form जो होता है data का, वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर क्या हो रहा था, सारी चीज़ें manually करनी पड़ी थी, यहाँ पर क्या हो रही, सारी चीज़ें computer की help से हो रही है, but एक particular जो users हैं उनकी help से हो रही। तो data कैसे form में रह रहा है, सेंट्रलाइज फॉर्म में रह रहा है। एट लास्ट इनको एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, जो कि अपन ने एक जो कीवर्ड्स मैंने बनाया है इसमें कि वो होता क्या है, कैसे अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, फाइल सिस्टम फोकसेस ऑन डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल विद द लिमिटेड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। फाइल सिस्टम क्या करता है, लिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है और लिमिटेड मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है विद द लिमिटेड कैपेबिलिटीज। बट सच चैलेंजेस है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी भी अपने को फेस करने को मिलती है और डेटा इनकंसिस्टेंसी भी फेस करने को मिलती है। ऑन अदर एंड, वही दूसरे हाथ पे देखें तो DBMS क्या करता है,
कंप्रेहेंसिव डेटा मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज, यानी एक बहुत अच्छी फंक्शन प्रोवाइड कराता है जो कि अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं डीबीएमएस में। रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, रिडंडेंसी कंट्रोल बहुत अच्छा होता है डीबीएमएस में, कहीं कंसिस्टेंट नहीं होता है, वाइन इनेबलिंग द सेंट्रलाइजेशन ऑफरिंग एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू जो है ना वो सबसे मेन पॉइंट है, की हाइलाइटेस पॉइंट इस मतलब डीबीएमएस में क्या होता है ना, सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू का काम भी वही है, जो एक काम की चीज़ है, जो काम का डेटा बस उतना ही डेटा बताएगा, बाकी की चीज़ें हाइड करके रखता है। तो आज की वीडियो में अपन ने समझा है डेटाबेस क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आगे और भी टॉपिक्स है फर्स्ट चैप्टर में जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।